तो लाइव है तस्वीरें, और जो परिजन है उस लड़की के, 17 साल की जो लड़की का केस सामने आता है उसकी मौत हो जाती है। जाम परिजनों ने इस समय लगा दिया है, और इसे हम देखिए किस प्रकार से एक दौड़ते हुए क्या हुआ है, और ये देखिए किस प्रकार से परिजनों ने जाम लगा दिया है। इस समय लाइव है तस्वीरें, और किस प्रकार से उस गाड़ी के पीछे जो है दौड़ते हुए गए हैं, क्या कारण क्या हुआ है ये समझ से परे है। हुआ क्या है और जाते हुए, और इस समय देखिए जाम की जो स्थिति है, इस तरह देखो जाम की जो स्थिति है वो बन चुकी है। इस समय परिजन परेशान है, और अब ये देखना होगा किन कारणों में जो है क्या किसके साथ क्या हुआ है, और क्या हो आयो। तो इस समय जो लोग हैं वो, और उधर ले, इस समय जाम जो है लगा चुके हैं, देख सकते हैं लाइव है तस्वीरें, और जो लोग हैं उन्होंने जाम लगा दिया है। किन कारणों को लेकर के जाम लगा है अभी जो है पूछेंगे कि क्या हुआ है, किन कारणों के चलते जाम लगा है। सारी गाड़ियां जो है रुक चुकी हैं, और इस समय देख सकते हैं कि इस समय नानकपुरा जो चौक है उसके ऊपर जो है जाम लग चुका है, और पुलिस की कार्रवाई से जो है संतुष्ट ये जो लोग हैं, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। तो इस समय अभी पुलिस आई थी, क्या कहती है पुलिस का भी क्या पता जी, मेरा कोई सुनाई नहीं कर रहा, मारी कोई रोकते हुए। और देखिए किस प्रकार से इससे जो बैरिकेड्स हैं ये आगे नहीं कर रहा जी, मारी बच्चे अस्पताल में पड़ी है जी, पैसे भी दे दिए जानूंगा या ना भी जी, मारा कोई नाम भी साहब जा भाई, मारी लड़की मरी पड़ी जी, डॉक्टर कोई सुनाई नहीं कर रहा ना, मारी कोई पुलिस सुनाई कर रहा जी, हमने भाई नाम भी साहब। अभी पुलिस वाले आए थे तो कहा था उन्होंने, कोई पता नहीं जी, मारा मान साहब फिर भी नहीं बोल रहे जी। अच्छा, हम नहीं बोल रहे जी। आपका क्या रिलेशन लड़की के साथ? मारा लड़की भी पता नहीं, बेचारी स्कूल में जा रही थी, कहीं पता नहीं जी भी क्या खाया क्या पिया जी, को डॉक्टर भी नहीं पता दे रहे हमने जी, हमने बहुत हाथ जोड़े पैसे भी दे रहे, कोई मान रहा जी, हमने भी निशाब चाहिए जी। तो कल क्या हुआ? कल भी जी मर लड़की डॉक्टर का दाखिल करी, मर गया नंबर जरानी ने लड़की की लाश नहीं मिलेगी। मान माना अपनी बीवी लड़की की लाश चाहिए, मेरे घर में देख आज जो आपका भी बच्चे है जी, क्या मांग है, क्या हुआ है? गिरफ्तार आपका जी, जमा गरीब जी, मोल चुन लिया मोल ले लेकर खावा, हम पैसे दे जो से बड़े तेरे मेरे पर पकड़ कर दे दिए, बोलू का भी और पैसे दो, क्यों नहीं जाता मेरे लड़की की लाश। तो इस समय जाम जो है लग चुका है, और पुलिस मौके पर पहुंची है। एक मिनट भाई, ले जाने पर लगा नहीं कर दे।
अरे चलो 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 सारे उड़े। तो महिला काफी परेशान है। तो इस समय लगातार जो है पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जितना चेर उसे लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा, भारतीय किसान यूनियन के साथ रहेगी। ये हम आपके सामने कह रहे हैं। तो लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, घर वालों को पिटा भरना चाहिए। तो इस समय लगातार जो है जाम की जो स्थिति है वो यहाँ बन चुकी है, और लगातार समझाते हुए और रास्ता जो है खोला गया है सभी वहाँ से ले जाते हुए कि जाम न लगाए, और पुलिस ने भी रास्ता जो है खुलवाया है। इधर ले आज हमारा गला और किसा गला भी करागा इसे काम क्यों जी रात टपकी जी कौन अपना भूखा चिशा है। मेरा सारा गांव भूखा चिशा लग रहा है। हमारी को सुनाइए नहीं जी, मैं क्या करा जी है? बताओ जी हमारी क्या गलती है जी, जो तेरे बड़े बड़े पड़वा गरीब है जी, मांग तांग के पीछे भरे फिर भी हमारी को सुनाई कर रहा जी। मरजोर की लड़की है छोटी। अच्छा। अरमस की ताई जी कोई नहीं सुनाई करे तो मौत पल्ला थोड़ा डॉक्टर। तो पुलिस ने कहा तो अपनी कार्रवाई करने लगे, एफआईआर दर्ज कर दी है। जितना करी मानस बोले भी आप नहीं बोली हो, मगर जी को नहीं बोल लांगे भी मानस मानस कर लो की मानसा की इज्जत भी चाहिए जी हमने। मैं जी को नहीं बोला जी, आज भी हमने 2-3 घंटे हो गए जी बैठे भूखे दिशाए, पानी नहीं, बच्चे भी पीछे भी रो रहे हैं। इस समय पूरे जो गांव के लोग हैं वो आते हुए नहीं वो कर रहे हैं, ऐसे एसएचओ साहब आए हुए हैं। तो इस समय पुलिस के जो एसएचओ हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, और एफआईआर की जो कॉपी है वो पहुंच चुकी है, और इस समय लगातार जो लोग हैं गांव के वो पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए वो अपना आवेश में आके बाहर चले गए, हम उनको वापस ले आए हैं अभी, क्योंकि प्रशासन पूरा कोऑपरेट कर रहा है हमारे को। हम नहीं चाहते कि भी कोई भी कोई ऐसी घटना हो जिससे कोई किसी को तंगी आए, इसीलिए। किन कारणों से जाम लगाया है, क्या चाह रहे थे? वो जल्दी वो कार्रवाई अमल में नहीं आ रही, इसलिए उनका अभी आई है सर, लेकिन पहले उन्होंने ऐसा तभी नहीं मिलेगी आप कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें विश्वास नहीं था, लेकिन सभी मौजूदा जो गांव के आदमी है उनको सबको विश्वास था भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन को ऑपरेट करे और तो FIR की नकल हमें मिल जाएगी। तो ये यहाँ से आवाज में आके दौड़ के वहाँ चले गए। पुलिस जो है मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस का दल बल जो है पूरा यहाँ मौके पर पहुंच चुका है, क्योंकि अभी जो जाम की स्थिति है वो हो चुकी थी और उसको यहाँ अभी खोला गया है। समझाया गया कि FIR की जो कॉपी है वो उनको दे दी गई है। महिलाएं अभी भी आक्रोश में है, क्योंकि एक जवान जो बेटी की मौत हो जाती है उसके बाद महिलाएं सुबह से बैठी हैं, लेकिन कार्रवाई की लगातार जो है मांग महिलाएं कर रही हैं। इस समय ये तस्वीरें हैं हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल की लाइव है ये तस्वीरें, और इस समय देख सकते हैं कि और लगातार लड़की की माता है क्या? लड़की की माता है। देखिए लड़की की जो माता है और उनसे बातचीत करेंगे कि एक जवान बेटी की जो है मौत हो जाती है। ना कोई नहीं, रहने दो नीचे। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से क्या मांग है? सजा हो जी, साफ दे दो, मेरी मेरी बेटी की लाश दुआ दे जी, डॉक्टर ने सजाओ जी, डॉक्टर ने सजाओ। बड़ी लड़की थी, सबसे बड़ी लड़की थी मेरी, 18 साल की लड़की थी, 12वीं क्लास में पढ़ती थी, 12वीं क्लास में जी मेरी। डॉक्टर ने 20,000 रुपये मांगे जी, हमने 20,000 रुपये, हमने 15,000 रुपये जमा कराए जी, डॉक्टर ने 15,000 रुपये देकर हमने गूगल पे करा दिए।
बाहर चलो जी, मर तक कोई सबूत नहीं दिया जी, ना मर तक देखने दिया। तेनु बताया किस वजह से मरिया गुड़िया, किस वजह से नियम ने कोई भी पता नहीं है। हम अंदर जाने अपनी गुड़िया देखने भी नहीं दे रहे थे, अंकल के हमने देखे भी नहीं है गुड़िया कैसे है कैसे। हाँ जी हाँ जी, मैं आई थी, मैंने देखी भी गुड़िया, हमने नहीं देखी किसी ने। हाँ जी आए थे जी, मैं मुझसे हूँ जी, ये मेरी बहन है, हमने रिक्वेस्ट करी, हमने देखने दो देखने दो, हमने तो हम तो उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं जी। कार्रवाई हो जी, बारहवीं क्लास में जी मेरी लड़की, सख्त सख्त कार्रवाई हो जी उसका। मैं नहीं मिलने दी जी उसको, न जी मैं साथ में जी, नोला डॉक्टर बाहर जाओ जी, आप बाहर जाओ जी, आप अंदर बाहर चलो, ये मतलब है जी। हाँ जी पैसे मांग रहा था जी, कहाँ से आ गए डेट वाइन को, दिमाग खराब जी बोला जी, लोच करने लगा, हम पे इतनी दया नहीं करे, इतने क्या विपता पड़ रही है गुड़िया सभी की है गुड़िया, वहाँ हमारी बेटी नहीं है, प्रशासन की बेटी है, सभी की बेटी है, कल आज हमारे साथ हुआ, कल और भी किसी के साथ वो तो ना भी है, हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, हमारी गुड़िया हमने दे दो। मैं अपनी बच्ची का संस्कार कर दूंगी जी, मैं अपनी बढ़िया दुआ दो जी, दो दिन हो गए जी, कोई जमीन नहीं, कोई जाए नहीं, अगर हमने पक्का तो कोई सबूत नहीं कर सकते। तो महिलाएं हैं, उनकी माता है, चाची है, ताई है, और इस समय डॉक्टर के खिलाफ जो है कार्रवाई मांगते हुए, क्योंकि जो परिस्थितियों में मौत हुई है, उनको बेटी से मिलने नहीं दिया गया, उसी का रोष है उनके मन में। और कल से यदि बात करें तो कल से ये लोग बगैर खाना खाए जो है रात्रि से, और सुबह से ये स्थिति बनी हुई है, सुबह लगभग 7 बजे ये लोग यहाँ पहुँच गए थे, और जो परिजन हैं, उनके घर वाले हैं, उनके पिता हैं, और आस पड़ोस के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, सुबह से यहाँ बैठी हैं, और एक रोष है, जाम लगवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ की है। और ये तस्वीरें इस समय गोरमेस अस्पताल से, और जो परिजन है वो यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं, अभी को सभी को समझाया गया है कि FIR की कॉपी जो है कट चुकी है, और आप जो लोग थोड़ा समन्वय रखें और जाम ना लगाएं। इसमें एक बार थोड़ा बताइएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, बता देंगे थोड़ा साहब, हमें तो पता नहीं इसका, बाकी हो तो यही बताओ, वकील साहब बताओ कौन सी धारा रखी है, है कोई वकील साहब है, ये कल ये मैडम और ये डॉक्टर ये सारे चेंज हो पाएंगे, सारे SC पाएंगे, ध्यान रखियो इनका नाम पूछ के होगी उसका तो नाम प्रवीण का ध्यान है, डॉक्टर का नाम तो ललिता का ध्यान है, अरे रुक जाओ, उस लड़के का क्या नाम है, कल ना वो SC बतावेंगे, जिसने वो लड़की ने भी SC बतावेंगे, मेरी बात कहने की समझो कि भाई जो जिसने जाति सूचक शब्द बोले हैं उनका बाय नेम पता होना चाहिए, वो ललिता का ध्यान है, ललित कहाँ है फिर इसमें, यही तो प्रवीण का ध्यान है, देख कुछ में लिख रहे होगा, डॉक्टर का नाम प्रवीण का ध्यान है, लड़की को जो डॉक्टर नहीं उसका नाम ललिता का ध्यान है, उसका नाम नहीं लिख रहे हो, नाम तो होना चाहिए उसका, अरे इसमें यो रिया है एक डॉक्टर प्रवीण हुआ, एक मैम फिर आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा, एक मैम कल SC लड़की मैम हमारे पास फोन ही इतनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हो जाएगी, सारा काम होगा, पहले ना तो पहले मुकदमा ही हमारे लिए, अन्ना थाना तहसील हमने दाढ़ी है कि 20 साल हो गए, संतुष्टि करवाएंगे, संतुष्टि है, संतुष्टि हमने अपनी तरफ से, मैं मुकदमा दर्ज होगा FIR रात में कि तफ्तीश मामले में नहीं है, सारी चीजें चाहिए ना, हमने मांग की है उसी टाइम उन्होंने FIR मांग करी नहीं है, मांग इसीलिए करिए, सच्चाई है, झूठ नहीं है ना, हमारी डॉक्टर की कोई लड़ाई थी, हत्था जोड़ी और दादा पाले ने उसके साथ बहुत करी जी, आप छोड़ दो, 2 घंटे में 20,000 रुपये 23,000 रुपये ले गया, और उसके बाद भी मैं ले धक्का मुक्की गाड़ी क्लोज कर, तुम्हारा क्या उसमें कसूर थोड़ी हमारा, हम तो बोट लड़ने गए थे, वहाँ बोटी लेने गए थे, पोस्टमार्टम शुरू हो गया, मैं तो बाद में पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा, उसके बाद संस्कार करेंगे, संस्कार करेंगे जी जी।
किसान नेता भी बीच में पहुंचे हैं और ये समझाते हुए कि अभी एफआईआर जो है कट चुकी है और शांतिपूर्वक प्रशासन अपने गेला प्रशासन के सर इसमें पता क्या हुआ देखो इसमें डॉक्टर से प्रवीण लिख है प्रवीण के पीछे डॉक्टर का दिया ना इसमें एक मैम लिख रहे हैं मैम का क्या मतलब मैम का नाम लिख रहे जो डॉक्टर है जो जिसे जाते जो तक सब अपशब्द कह रहे हैं नाम लिख रहे हैं इसमें ये दो चीज ऐड करवा दो पहले अपने वकील से बात कर रहे हैं क्या बातचीत हुई है जैसे लोग थोड़ा आक्रोश में आए क्या कारण रहा क्या क्या मांग कर रहे हैं मैं पहले तो अपने ये जितने भी भाई है यहाँ इनसे कहूँगा कि ये गुस्से का मामला नहीं है हालात ना बिगाड़े अगर कोई भी गलत काम है वो गलती है कानून को अपने हाथ में ना ले ये एक जो एफआईआर की कॉपी आई है उसमें कह रहे थे जो लेडी डॉक्टर है उसका नाम नहीं है बाई नेम तो प्रशासन कह रहा था कि जैसे आपने एफआईआर की हमारे को कॉपी दी थी ना उसके अनुसार ही हमने ये दर्ज करी तो वो कह रहे थे कि अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई है तो उसको भी आप दुरुस्त कर लीजिए हम वैसे ही कर देंगे प्रशासन ने ये बात कही है तो हम अभी अभी अपनी जो लीगल टीम है उनकी एडवाइस ले लो अगर कोई त्रुटि रह गई है तो वो करवा तो पोस्टमार्टम शुरू हो गया जी पोस्टमार्टम हो जाएगा पोस्टमार्टम वाली कोई दिक्कत थोड़ी है पोस्टमार्टम तो करवाना ही है जी क्योंकि कल से जो है ये लोग भूखे बाने बैठे हैं बिल्कुल मैं भी कह रहा था संस्कार होगा उसके बाद हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल वो कर रहे हैं ये मैंने तो पहले भी जिसके साथ बनती है उसी को हाँ बिल्कुल ये परिवार के लिए बड़ी दुख की घड़ी है सभी के लिए तो कोई नहीं हो जाएगा अभी करवा रहे तो महिलाएं जो है कल से इसी तरीके से बैठी है और अभी जो महिलाएं हैं सारा काम कौन किसके लगाड़ दिला तो आयो या छोरी सब की आया वाल्मीकि के छोरी कोनिया वाले गई सारा काम कौन है किसान मजदूर दुकानदार सारे तो आ रहा जाट जमींदार सारे टोटला रहे हैं इंसाफ पत्र इंसाफ भतरा रहे हम सारे यह की लड़की थोड़ी है सब की लड़की है जुल्म के खिलाफ आ रहे हम जैसा जुल्म कर क्यों ना ऐसे एक्ट लग गया पुलिस आ रही कानून अपना हाथ में लेने की जरूरत नहीं है हम शांति चाहवा अगर कानून कार्रवाई नहीं संतुष्ट है फिर कर लियो जो कुछ कराओ शांति चाहवा हम शांति कानून कार्रवाई होने लग रही ठीक सड़क पर जान में और लोगों ने परेशान करांगा मैं कोई मर गया कोई फिर क्या होगा मरेगा नहीं यू आखिरी हथियार शाम जुम तो पूरे हम सारे संतुष्ट हो हमारे हम नहीं जानते शांति रखो मरने से कोई डरना नहीं किसी ने सिर्फ आराम से बोलो आराम से हो करो नहीं किसी तो है प्रदर्शन भी करांगे जब लग नहीं कार्रवाई होगी जब लग प्रदर्शन भी करांगे रास्ता जाम भी करांगे वो बात अलग है लेकिन आराम से बिगाड़ खींचे खींचे फिर कोई बात है यार तो महिलाएं जो है कल से बैठी हैं और आज भी जो है सुबह लगभग 7 बजे से पहुंची उठी इसका थोड़ा सा एक मिनट एक मिनट पढ़ो कैसा है जी हम तो ऐसा जो हमारा जो डॉक्टर था जो राजू भी हमने तो नाम से आप चाहिए जी और उसने क्या गलती करी सर जी कहा तब चेहरा बीस भी तुम दस क्यों दें दे भाई लड़की की डॉक्टर उस तभी लड़न लग गए जलाद बलाद लग गए जी कहने उसने भी उसकी उसकी कैसे सजा जी उसने की उस दरखास्त दी बेचारे की उसने क्या कोर्ट कर वो भी अपना उस दूसरा आप भी कहो जी इस तरह सुना कही थी भी हमने तो नाम से आप चाहिए जी बस ये काम राम खड़िया है बस यार नाम से आप चाहिए जी हमने और कुछ नहीं चाहिए ना ना ठीक है चाहिए फिर ये तो आवेगा तो मदद में और तेरी गल्ला कर गाल गलो सो जे फिर बता तेरा गल्ला नान से आप तो होना चाहिए फिर ये गरीब आदमी मारा जाए क्यों करे सबके घर में बीमारी है तो महिलाएं हैं महिलाओं के मन में दुख है
क्योंकि 17 साल की बेटी जो है इस दुनिया में नहीं रही, और चाची ताई जो उनके आस पड़ोस के सभी लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। ये लोग कल से बता रहे हैं कि इन्होंने खाना नहीं खाया, क्योंकि जवान बेटी की जो लाश है वो यहाँ पड़ी थी और पोस्टमार्टम के लिए आज पहुँचे हैं, लेकिन FIR की कॉपी होने के बाद जो है पोस्टमार्टम अभी करवाया जाएगा। पुलिस मौके पर पहुँचोगी है क्योंकि किसी प्रकार का कोई जाम ना लगे, कोई तनाव की स्थिति ना पैदा हो, और इस समय बने रहिएगा। और इस समय पुलिस की एक जो बस है वह मौके पर पहुंच चुकी है और अतिरिक्त पुलिस बल और अभी ले आओ, अभी इस समय समझाते हुए कि पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो यहाँ की जाएगी। इनके मन में लगातार और महिलाएं पोस्टमार्टम हो चुका है, लगभग हो चुका है जी पोस्टमार्टम। हाँ जी पोस्टमार्टम हो चुका है। नहीं जी करने की तैयारी है, कर रहे हैं। अच्छा, तो अतिरिक्त पुलिस बल जो है यहाँ मौके पर पहुंचा हुआ है क्योंकि किसी भी प्रकार की जो तनाव की स्थिति है वो ना बन सके। और लगातार ये तस्वीरें सरकारी अस्पताल असन से आप देख सकते हैं। मौके पर मनोज कुमार SHO थाना सदर जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं, और एक जो स्थिति तनाव की ना बन पाए उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ बुलाया गया है। और लगातार लोगों के मन में, जनता के मन में और उन परिवारजनों के मन में एक रोष है कि उस बेटी के साथ काफ़ी यदि गलत हुआ है तो उसके विपक्ष में वो यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई, उनको गाली गलौच दिया गया, तो सारी तस्वीरें सामने धीरे धीरे निकल के आ रही है। पुलिस ने अपनी ओर से एक ठोस कार्रवाई का आश्वासन यहाँ दिया गया है और परिजन यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं। पूरे गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और मनोज कुमार SHO थाना प्रभारी सदर जो है इस समय आए हुए हैं। सब ग्रह के बाहर की ये तस्वीरें हैं। पोस्टमार्टम अभी चल रहा है क्योंकि इस समय जो पोस्टमार्टम की तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और पुलिस का दल बल जो है मौके पर पहुंचा हुआ है। और इस समय देख सकते हैं ये तस्वीरें, और दुखदाई है तस्वीरें क्योंकि किसी परिवार के अंदर से किन्हीं परिस्थितियों में एक बेटी चली जाती है और उनके मन में भी एक दर्द है। और अभी सभी को समझा गया, डॉक्टर साहब जो है मौके पर पहुंच चुके हैं और पोस्टमार्टम की जो तैयारी है वो यहाँ भी की जाएगी। और समझाते हुए ये डॉक्टर इस समय पोस्टमार्टम की तैयारी करते हुए, और डॉक्टर साहब पहुँच चुके हैं, लगातार लाइव है ये तस्वीरें सरकारी हॉस्पिटल असन से। और देख सकते हैं कि कल बताया जा रहा था कि एक 17 साल की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। महिलाएं भी जो है उनको ले जाते हुए महिलाओं को कि कोई तनाव की स्थिति ना पैदा हो, यहां से महिलाओं को ले जाया जा रहा है कि इनको घर ले जाया जाए, क्योंकि अभी कुछ ही देर के बाद पोस्टमार्टम के बाद यहां से डेड बॉडी को ले जाया जाएगा। और काफ़ी तनाव की जो स्थिति है वो यहां बन गई थी। महिलाओं को यहां से ले जाते हुए उनको समझाते हुए कि आप जो है चले जाएं, मेरी बरदन छोड़ी के बजवाए मेरी बड़ी आग लग रही महिलाओं के मन में दुख है
दर्द है। तस्वीरें जैसे कल लेकर के आए बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि जैसे ही बिल्कुल लेकर के जो है आपस में विवाद हुआ और उसके बाद कोई स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है उससे परिजन जो है बड़े दुखी है, उनके मन में दुख है। और इधर ले आ भाई, इधर ले आ। तो महिलाओं को यहाँ से ले जाते हुए समझाते हुए कि आप जो है अपने घर चले जाएं, और इस समय महिलाओं को ले जाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में जो है न्याय मांगती हुई ये महिलाएं जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में जाती हुई, और अभी इनको यहां से गांव ले जाया जा रहा है, और जो परिवार के और भी सदस्य हैं उनको भी ले जाया जा रहा है कि कोई तनाव की जो स्थिति है वो ना पैदा हो। और पोस्टमार्टम के बाद अब संस्कार की जो तैयारी है वो गांव में की जाएगी, और पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी को धीरे धीरे यहां से ले जाते हुए लड़की की माँ जो है बार बार रोते हुए अपनी लड़की के लिए जो है इंसाफ मांगते हुए, और एक दर्द इस समय उन महिलाओं के मन में है। यहाँ से सभी परिजन जो है धीरे धीरे यहाँ से जाते हुए ले जाते हुए इस समय लड़की की माता जो है उसको भी गाड़ी में बिठाया गया कि आप गांव में चले जाएं, ले आओ इधर। क्योंकि कल से जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई, एक बेटी के साथ किस प्रकार की स्थिति बनती है, क्या रहा, क्या उसके साथ हुआ है, और उनकी माता से भी जो है बातचीत करेंगे, तो थोड़ा सा है अब बातचीत कर लेंगे। स्कूल में नहा धो करके स्कूल में गई थी? हाँ जी। अच्छा, सब खाना खुना खाया था? हाँ जी। सब ठीक था? जी मैं बिल्कुल तान नहीं, तकरार नहीं, कोई नहीं तकरार जी। अच्छा। जमी सनकार भी कोनी जी। अच्छा। आप खेल दी चाची ताइया ने कोई रोड़ा रब दाने जी। राम राम करके गई जी। अच्छा, एंड ठीक मना मशीन खोल रखी जी। मैं वहाँ बेटे मम्मी इसमें कबाड़ फंस गया, मैं बेटी मैं खोल कर देखूंगी इसमें, मैं साफ करूंगी। इतनी देर में जी मेरी ननंद आई, एक बिटिया आई, चाची लड़की का कुछ हो गया, मैं बेटी क्यों हो गया, बस उसे टाइम जी मेरे तो पता ही नहीं लग गया। अच्छा, स्कूल में से आया है? वापिस आ गई जी, रास्ते में तो वापिस आ गए जी, पहुंचन पाई है कोनी जी, रास्ते में बस पता नहीं जी। मैंने फिर तो के तो है के नहीं जी, मैंने कोई बेरा नहीं जी, कोई रोड़ा नहीं जी। और साथ में तो लड़कियां स्कूल में जाती है, कुछ बताया था? हां जी। रही हो है कि क्या बताया उन्होंने? दो लड़की थी जी, एक बिंदिया जी, एक नाम वो, एक मिनट पलक थी जी। अच्छा, पलक। हां जी, चाची उसने चक्कर आया कर पड़गी जी दोनों का महा बेटे। अपने माँ बाप से प्यार करती थी? हाँ जी, मेरी तो बहुत प्यारी थी, बहुत घनी जी, बहुत करवाती थी आपका सारा सारा करा कर दी थी। अभी कितने बच्चे हैं आपके? तीन है जी। दो बेटियां और हैं? एक लड़का जी, तीन लड़की थी मेरे। ये बड़ी लड़की थी? यह बड़ी लड़की थी जी मेरी। बारहवीं तो बेटा है था जी, मैंने बेटी को नहीं समझी जी। तो एक माँ के साथ किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही आप सोच सकते हैं। एक दर्द है माँ के मन में कि बेटी सारा काम करती थी और अच्छे तरीके से स्कूल गई थी, लेकिन बाद में तस्वीरें सामने आई, बहुत दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। बने रहे और जुड़े रहे। तो लाइव है ये तस्वीरें, और इस समय जो ग्रामवासी हैं उनको धीरे धीरे यहाँ से ले जाते रहे, और अभी संस्कार की जो है तैयारी यहाँ की जाएगी, क्योंकि कल से लड़की की जो डेड बॉडी है वो मर्चरी हाउस असन सरकारी हॉस्पिटल में रखी गई है, और यहाँ से सभी को समझाया गया है कि आप गांव में जाएं, गांव में जाने के बाद जो है संस्कार किया जाएगा। 17 साल की बेटी प्लस टू में पढ़ती थी, अपने माँ बाप से प्यार करती थी, घर का सारा काम करती थी, लेकिन जैसे ही अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के कारण सामने आते हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है क्या रहा हॉस्पिटल में जाने के बाद, क्योंकि एक से दो हॉस्पिटल में उनको लेकर के भी गए थे, और उसके बाद जो है एक जब तीसरे हॉस्पिटल में लेकर के गए तो लड़की की मौत हो जाती है, वहीं बिल्कुल लेकर के बवाल होता है, कहासुनी में जो है पर्चे दर्ज होते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, और लगातार पुलिस ये समझाती हुई कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपके जो कार्रवाई है उसमें बाध्यता पड़े। और सभी किसान नेता भी मौके पर पहुंचे हैं, और सीआईडी
डिपार्टमेंट है जो है, अभी जैसे ही सारा निपट गया यहाँ से संस्कार के लिए लेकर के जाएंगे। आपकी जो मांगे थी वो मान ली गई? जो मांगे थी वो तकरीबन पूरी होगी, और लड़की वाले और पूरा इलाका वहाँ लड़की के संस्कार के लिए गए हैं, और आगे कोई असल कार्रवाई में कोई ऐसी कार्रवाई भविष्य में ना हो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो दोबारा फिर हो जाएंगे, लोग खड़े लोग पीछा टिकलते ये जी। लेकिन फिर भी सूझबूझ से काम लें, क्योंकि शांति चाहते हैं हम, कोई तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते जी। ये है जी, पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है, और दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है पुलिस का दल बल जो यहाँ मौके पर पहुंचा हुआ है, अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ बुलाया गया है, और ये तस्वीरें हैं मोर्चरी हाउस असंध की। और जैसे ही यहाँ पुलिस पहुंचती है, SHO थाना मनोज कुमार पहुंचते हैं, उन्होंने एक आश्वासन दिलाया कि हर हालत में जो है कार्रवाई होगी, और पुलिस बल जो है अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ बुलाया गया है कि किसी प्रकार की जो स्थिति है वो उसके अंदर गड़बड़ ना हो। और इस समय लगातार लाइव ये तस्वीरें और सभी को समझाते हुए, और अभी बलाराम जी है उनसे बातचीत भी करेंगे। बलाराम जी अभी क्या स्थिति रही, पोस्टमार्टम चल रहा है? हाँ चल रहा जी, पोस्टमार्टम के बारे में ठीक से शांतिपूर्वक लेकर के जाएंगे? हाँ शांतिपूर्वक लेकर जाएंगे। कोई ऐसी अन्य कोई स्थिति तो नहीं? नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। कल कई कोई नहीं था, हमने तो आज तो क्या ना करा थे, शांतिपूर्वक में जा रहे हैं। संस्कार किया जाएगा? हाँ संस्कार किया जाएगा। भविष्य में किसी बेटी के साथ या किसी भी बेटे के साथ ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या सोचते हैं बलाराम जी, कैसे कदम? देखो सबसे गलत काम है जो, ऐसा ना होना चाहिए, ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, निपक्ष बात होनी चाहिए। जैसे हमने डॉक्टर का रिक्वेस्ट करी थी, उन्हें डेड बॉडी दे देंदा तुम्हारी सुनाई हो जाती, हम संस्कार कर देंगे, आज माटी बरी हो रही कल की तो संस्कार हो जाता है, संस्कार हो जाता है, संतोष हो जाता। तो रिश्तेदार बैठे हैं, उठाए बाहर निकल के, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तंग तो हो रहे हैं जी। चलो बस हम तो इतने चाहवा जी, हम तो इतने चाहवा दे जी, संतुष्टि होगी हमने ठीक है। तो इस समय पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार, और डॉक्टरों की कार्रवाई है वो लगातार चलती हुई, पुलिस बल जो है मौके पर मौजूद है, लेकिन परिवारजन मांग रहे हैं एक बेटी के लिए इंसाफ, कि यदि कुछ गलत हुआ है तो उसके अंदर भी जो है इंसाफ की मांग उनके द्वारा लगातार की गई है कि हमें इंसाफ हर हाल में चाहिए। लेकिन तस्वीरें इस प्रकार की जो है सामने जब ही आती हैं, जब किसी प्रकार का कोई क्राइम होता है, और हाँ क्राइम होता है तो एक 17 साल की बेटी के साथ किस प्रकार से परिस्थितियां सामने आती है, डॉक्टर के साथ बिल्कुल लेकर के कहा सुनी होती है, वो फिर जो है आगे बात बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस समय पुलिस दल बल अपना यहां पहुंचता हुआ, और ताकि किसी भी प्रकार से यहां से लौटते हुए इस समय पुलिस की जो टुकड़ी है यहाँ से यहाँ लगातार लौटती हुई, और क्योंकि सभी जो परिवार के सदस्य हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष है, वो वापस चले गए हैं, और उनको ये समझाया गया है कि आप अपने घर लौटिए, पोस्टमार्टम के बाद जो है संस्कार की तैयारी कीजिए। यहाँ अभी अतिरिक्त पुलिस बल की जो टीम है वो लगातार यहाँ पहुँच चुकी थी, और यहाँ से लौटते हुए, और इस समय पुलिस की ये टुकड़ी जो है यहाँ से लौटती हुई, क्योंकि अतिरिक्त बल सुरक्षा बल जो है एकदम से बुलाया गया था, क्योंकि जाम की जो स्थिति है वो यहाँ पैदा हो चुकी थी। उस लड़की का नाम क्या बताया था? बिंदिया लड़की का नाम था, 17 साल की लड़की जो है 12वीं क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, गांव बंगाला की रहने वाली थी, लेकिन जो परिस्थितियां परिवार के सामने आई वो बड़ी ही दुखदायी थी। और यदि बताना चाहूँगा कुछ ही देर पहले यहाँ जाम की परिस्थिति भी जो है बन गई थी, लेकिन सभी को यहाँ से समझाया गया कि आप घर लौट जाएं, क्योंकि उसके बाद अभी संस्कार की तैयारी की जाएगी। काफ़ी सदमा है लोगों के मन में, गांव वालों के, कि क्या वो चाहते थे यदि आराम से उनको डेड बॉडी मिल जाती तो अपना संस्कार जो है कर लेते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि आज उनको जाम लगाने की स्थिति यहां पैदा हो जाती है। और नागरिक अस्पताल असंध में है, पुलिस दल बल यहां से लौट चुका है, और इस समय दिखाना चाहूँगा ये तस्वीरें, और एक बेटी के साथ जो भी स्थिति सामने आई है कहीं ना कहीं दुर्भाग्य वंश। और इस समय और भी जो है हम बातचीत करेंगे कि क्या हुआ है, और इस समय एक शख्स जो है
कल साथ थे उनसे भी बातचीत करेंगे। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ संतुष्ट हैं भाई, संतुष्ट है। हाँ बिल्कुल संतुष्ट। अभी जैसे आपके ऊपर आरोप लगे तो क्या रहा? उन्होंने कह दिया एस एच ओ साहब ने भाई वो कैंसिल हो जाएगा आपका पर्चा, जो भी उन्होंने लिखित में दे रखा, और बाकी जो इन पर कार्रवाई होगी जिन्होंने आप शब्द बोल रखे। किन कारणों से आपके ऊपर आरोप लगे, आपको क्या लगता है? मैं उन्होंने ना डॉक्टर साहब से ना दवाइयों के बिल मांगे थे, और जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया था वो मांगा था, उन्होंने देने से मना कर दिया। मैं फ्रंट पे था, उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। पैसे भी आपके द्वारा दिए? पैसे भी मेरे द्वारा दिए गए। मतलब यदि पैसे आपके द्वारा तो संतोषजनक हो सकता था, क्योंकि जब पैसे बिलिंग आपने दे दी तो यदि डेड बॉडी दे देते तो निपट जाता। ये काम होना ही था भाई साहब, इतना कोई काम बदना ही था ना, ये एक्ट लगने थे ना कुछ होना था। जो भी होया तो भाई साहब वो डॉक्टर की वजह से हुआ सारा, लेडीज डॉक्टर भी थी और जेंट्स डॉक्टर भी था। अभी क्या क्या मांग है शासन से? मांग तो ये भाई जी बस, जो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए दोनों के ऊपर। ठीक है। सरकारी अस्पताल असंध से लाइव है और पोस्टमार्टम लगातार चल रहा है। यहाँ से डेड बॉडी अभी ले जाई जाएगी गांव पंघाला में, तो बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा। और नागरिक अस्पताल असंध से लाइव है। बिंदिया 17 साल की बिंदिया इस दुनिया में नहीं है, क्या उसके साथ हुआ है वो अभी जांच का विषय है, और क्या उसके अंदर कार्रवाई होगी, और क्या जो आरोप परिजनों ने डॉक्टर के ऊपर लगाए हैं उनके अंदर कितनी सच्चाई है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय। डीएसपी असंध जो है उसके अंदर अभी जांच करेंगे और सारी जो सच्चाई है वो सामने निकल कर। बने रहे, जुड़े रहे इन तस्वीरों को ज़्यादा आप शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।